गुड मॉर्निंग क्लास, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू एक्सरसाइज विच इज़ 3.2। 3.2 में क्या है, मोड और मीडियन के बारे में। फर्स्ट में हमने क्या देखा कि मोड मीन के बारे में देखा, अब इसमें हम क्या देखेंगे, मोड और मीडियन के बारे में कि मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं क्या है। द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 और 15 स्टूडेंट इज फॉलो, मतलब कितना है, मतलब मैथमेटिक का टेस्ट हुआ है 25 बच्चों का, ठीक, मतलब सॉरी 15 बच्चों का, 25 मार्क्स का था, ठीक है, जिसमें से 15 बच्चों के मार्क्स ये आए हैं। तो इसका हमको क्या करना है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, मतलब हमको फाइंड करना है कि मोड और मीडियन ये डेटा का, और फिर देखना है कि मोड और मीडियन सेम आ रहे हैं, हमको वो देखना है। ठीक है, सबसे पहले मोड कैसे फाइंड किया जाता है मैं वो बताती हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, ये जो नंबर्स आए थे मतलब मार्क्स आए थे मैंने उसको लिख लिया है। अब मोड फाइंड कैसे करते हैं, मोड जब आपको फाइंड करना होता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो भी ये नंबर्स दिए हुए हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में करोगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, मतलब जो 5 थे यहाँ पर पहले, 5 था उसको पहले लिख दिया, फिर 9 था उसको पहले लिख दिया, ठीक है, 10 था, 12 था, सब लिख दिया। लेकिन यहाँ पर 20 20 20 20, मतलब 4 बच्चों के 20 मार्क्स आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 20 लिखना है, आपको 20 भी 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा, और 25 दो बच्चों के हैं तो 25 भी आपको दो बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस मोड क्या होता है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 जो है सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, ओके, 20 नंबर्स जो है वो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए। तो हमको क्या देखना है कि मोड क्या होता है, मोड हमको के साथ जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीटेशन में आता है वो हमारा मोड होता है। तो मोड क्या हो जाएगा हमारा, 20, क्योंकि 20 4 टाइम्स रिपीट किया गया है, 25 भी 2 टाइम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या किया गया है, 20 रिपीट हुआ है, तो 20 हमारा मोड हो जाएगा। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन में हमको देखना है कि जो ये नंबर है उसको सबका बीच, सबसे बीच का नंबर कौन सा है। तो ये 5 और ये 25 को ऐसे कर दो, फिर ये ऐसे कर दो, ये ऐसा देख सकते हैं आप, मतलब ये नॉर्मल मैं इजी इसमें बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20, क्योंकि क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब 15 बच्चे हैं, 15 में का आधा तो क्या हो जाएगा, 7.5, तो हमको क्या देखना है, 7 इधर का और 7 इधर का, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने ऐसा कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ऐसा हो गया। तो बीच का क्या बना, ये 20, तो मीडियन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या पूछा है, आर दे सेम, तो येस बोथ आर सेम, क्योंकि ये भी 20 और ये भी 20 है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाई 11 प्लेयर इज एज फॉलो, मतलब क्या है कि क्रिकेट मैच थी 11 प्लेयर्स थे उसमें, तो उन्होंने कितने कितने रन बनाए हैं। ठीक है, तो ये 11 अलग अलग प्लेयर्स हैं, उनके किसी एक ने 6 रन बनाया, किसी एक ने 15 रन बनाया, तो हमको इसका क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है एंड मीडियन फाइंड करना है, और देखना है कि ये तीनों सेम है आ रहे हैं। ठीक है, तो मीन तो आपको पता ही है कैसे फाइंड करते हैं, सारे नंबर्स मैंने इसे लिख दिए, और सारे नंबर मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मैंने ये सारे नंबर को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय कितना, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मैंने 11 कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा आंसर, इन सबको 11 ऐड करने पर क्या आ रहा है, 429 डिवाइड बाय 11। अब 429 हमको कैसे पता चलेगा कि कैसा आता है, तो आप 429 को डायरेक्ट 11 से डिवाइड कर सकते हो, तो मैंने कर दिया, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 39, तो मेरा मीन आ गया 39। अब मोड कैसे फाइंड करना है, जो ये मोड दिया हुआ है, सॉरी जो ये नंबर दिया हुआ है, मतलब जो ये डेटा दिया हुआ है, उसको क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब मुझे देखना है कि मोड क्या है, मोड क्या होता है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट किया हुआ होता है, सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट किया हुआ यहाँ पर कौन सा है, 15 है, 1 2 3, 10 भी 2 टाइम्स है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होता है हमको उसको मोड बनाना होता है, तो 1 2 3, तो 15 क्या हो गया हमारा, मोड हो गया। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन में मतलब वही जो सबसे मिडिल वाला हो, अगर नंबर मतलब जो हमारा डाटा का फ्रिक्वेंसी है वो अगर ऑड में हो, जैसे ये 11 था, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 + n + 1 / 2, ये फार्मूला डाल के भी हम कर सकते हैं। अब ये फार्मूला डाल के कैसे करेंगे, जैसे n प्लस 1 है, तो n हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 11 + 1 / 2 ऐसे कर देंगे, कितना हो गया ये, 12/2,
देखो 2:1:2 और 2:6, तो 6 क्या हो जाता है, 6 नंबर नहीं, 6 पोजीशन हो जाती है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 पोजीशन क्या आ गई हमारी 15, और ये हमको असेंडिंग ऑर्डर वाले का ही 6 पोजीशन लेना है, तो 6 पोजीशन में हमारा क्या आ गया 15, तो मीडियन हमारा क्या है 15, और आप डायरेक्टली भी ऐसे करके देख सकते हो कि 1 इधर का कट है तो 1 इधर का कट, और 2, फिर ऐसा 3, 4, 5, 6 ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मीडियन आ जाएगा, ठीक है। बाकी के दो सम काफ़ी सिमिलर ही है और ईजी भी है, तो आप खुद से कर लीजिएगा। थैंक यू।